हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मान्य साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कैट पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं UPOER विकल्प पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और इसका उपयोग कैसे करें। शिक्षा निदेशक ने दिया सभी शिक्षकों को पंजीकरण कराने का आदेश। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल के WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो UPOER अर्थात ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो कि बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में सहायक है, और इस पोर्टल का विकास 7 जनवरी 2021 को किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। इस पोर्टल का विकास बेसिक शिक्षा विभाग ने SCL फाउंडेशन की सहायता से किया है, और यह 5E प्रारूप पर आधारित है। इसका उपयोग शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों के उपयोग के लिए किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा और इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र, तो गूगल के सर्च बार में लिखेंगे हम UPOER.org और इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने पर हम इसको, आपको जो सामने चमक रहा होगा UPOER, इसको हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने पर रजिस्टर नाउ को क्लिक करेंगे, उसके बाद टीचर को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ हम पूरे डिटेल को भरेंगे, पूरा नाम भरेंगे MO मोहम्मद, मिडिल नेम भरेंगे YU यूसुफ, और यहाँ पर लास्ट भरेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करने पर यहाँ पर, उससे पहले आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी ये 4 स्टेप में होगी। बेसिक डिटेल, प्रोफेशनल डिटेल और सेट पासवर्ड और फिनिश। तो चलते हैं स्कूल ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर हम अपने स्कूल का नाम भरेंगे UPS 1128। यहाँ पर स्टेट का नाम भरेंगे, जो भी आपका स्टेट रखता है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम भरेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ ब्लॉक नेम भरेंगे, खरखोदा। यहाँ विलेज का नाम भरेंगे या टाउन, जहाँ भी आपका स्कूल होगा उसको यहाँ पर भरेंगे GISORA, जिसोरा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करेंगे। इतना करने पर अब हमारे तीसरा स्टेप प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर हम सेट पासवर्ड बनाएंगे
और सेट पासवर्ड जो बनाएंगे हम यहाँ पर, कॉम्बिनेशन होगा हमारा अल्फ़ाबेट और नंबर का, इसमें स्पेशल नंबर स्पेशल कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पर हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, इसको हम ओके करेंगे और क्लिक टू प्रोसेस फर्दर, यहाँ पर हम इसको फिर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम इसको सेव भी कर लेते हैं। इस तरह से अब हम लॉगिन यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब हम चाहें तो यहाँ पर लॉगिन भी हो जाएंगे, तो हम यहाँ से लॉगिन को क्लिक करते हैं और टीचर को करते हैं, यहाँ पर यूज़र आईडी को भरते हैं और वही हम पासवर्ड भरते हैं। और इस पासवर्ड को यदि आप चाहें तो यहाँ पर बदल भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे और हम यहाँ लॉगिन हो चुके हैं और डैशबोर्ड इस प्रकार का सामने आ जाएगा और इसमें वीडियो, ओईआर मैनुअल, क्वेश्चन बैंक, वर्कशीट, इस प्रकार का हम कुछ किसी भी क्लास का इसके माध्यम से देख सकते हैं। और नीचे कंटेंट अपलोड, व्यू रिपोर्ट और डाउनलोड, असेसमेंट शीट, व्यू रिपोर्ट, क्वेश्चन अपलोड और व्यू अपलोड, व्यू लिंक, इस प्रकार के हम यहाँ असेसमेंट शीट, इसको हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं यदि हम चाहें। और यहाँ हम चाहें तो अपने अनुसार यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें किसी भी क्लास का वर्कशीट देखनी है या क्वेश्चन बैंक देखना है, तो हम यहाँ वर्कशीट को क्लिक करेंगे और वर्कशीट को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एंटर कोर्स नाम लिखेंगे यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए क्लास वन, और यहाँ पर सब्जेक्ट करेंगे हिंदी और यहाँ पर टॉपिक करेंगे मेरा देश। और इस तरह से हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक जीरो है और यहाँ हम देखना चाहें तो डाउनलोड क्यूज कर सकते हैं और यहाँ से क्विज वन क्वेश्चन, क्विज क्लास हिंदी, इस प्रकार से आता है। और डाउनलोड करना चाहें तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये हमारा डाउनलोड पीडीएफ हो चुका है। अब हम इसको ड्राइव पीडीएफ में चेक करके देख सकते हैं। इस प्रकार का ये सामने आता है 78 उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो इस प्रकार का ये हमारी क्विज रूप में आता है, गोरखपुर, आगरा, मथुरा और सिंगल सब्जेक्ट, तो इस प्रकार से ये हमारे क्विज के रूप में आता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन बैंक हुआ और यदि हम वर्कशीट देखना चाहें तो वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और सामने आ जाता है हमारा भारत देश, मेरा भारत, और या जिसको भी हम देखना चाहें उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम व्यू करेंगे और व्यू करने पर यह डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड करने पर यहाँ हम ड्राइव पीडीएफ को क्लिक करेंगे या जो भी आपके उसमें होगा उसको आप क्लिक करेंगे और ये सामने इस प्रकार का आ जाएगा, जिस क्लास का, जिस सब्जेक्ट का भी चाहें उसको आप यहाँ पर क्लिक करके इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। इस पोर्टल का उपयोग हम बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लॉगिन के भी हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैनुअल, वीडियो, क्वेश्चन बैंक, वर्कशीट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पर एंटर क्लास नेम सर्च करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ फिफ्थ क्लास और इसको सर्च करूँगा और सर्च करने पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कक्षा पाँच कविता विमल इंदु की विशाल किरणें, कक्षा पाँच विमल इंदु की विशाल किरणें, यहाँ पर यह वीडियो
आपको दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने ऊपर वीडियो कर रखा है। और यदि आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करेंगे तो नीचे क्वेश्चन बैंक ही आपको दिखाई, जिस क्लास का भी चाहे उसका कर सकते हैं और यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड को क्लिक कर सकते हैं और डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ड्राइव PDF में कर सकते हैं, जो भी आपका उसमें हो। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन बैंक आ चुका है। जैसे हमारे देश का क्या नाम है, हमारे देश की राजधानी कहाँ पर है, ये हमारी क्वेश्चन बैंक इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बच्चों के लिए और अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी क्लास का कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।